मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है कि इतने काले चिट्ठे की बहुत धराएगा, तुरंत पता चल जाएगा कौन सच है कौन झूठ है। देखना, धीरे धीरे पर्दाफाश होगा। मैं चाहता हूं कि एक बार फेस टू फेस ये बंदा मिले। आप लोग अगर जान जाओगे कि इसने क्या क्या किया है तो सन्न रह जाओगे। ये जितने भी लोग, मेरी एक सिंसियर एडवाइस, ऐसे बंदों को कभी सपोर्ट नहीं करना, कभी नहीं। ये नहीं मैं इसको बोल रहा हूँ, उस हिसाब से तो मुझे राखी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर राखी मजबूर है, राखी को इसने सारे मैनिपुलेट किए थे और उसको चढ़ाया था, तरह तरह के उसको लालच दिए थे कि मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, और राखी उसी में फंस गई थी। बस यही कहानी है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, प्लीज़ आप लोग मुझे गालियाँ देना बंद करो। रियली राखी रो रही है, वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे बंदे को आप लोग केवल एक शादी का पिक्चर ये दिखा दिया है। वो तो बिग बॉस में भी सभी को पता है, मैं गया था। उसके बाद इसने उसको कन्विंस करके शादी कराया। अब ये बंदा अभी तक ये लॉ नहीं जानता, इसने कराया है तो उसमें राखी की गलती कैसे है? पता नहीं अब ये क्या सिंपथी लेना चाहते हैं। राखी नादान तो नहीं कहूंगा, लेकिन राखी के पास ना सेंस नहीं है उस टाइप का कि किससे दोस्ती करना चाहिए किससे नहीं। वो ऐसे ऐसे लोगों को अपना करीबी, जैसे मुझे ही ये एक बंदा कह रहा है ना कि कौन वो जेना करके जो अवार्ड वर्ड कराता है, ऐसे हमारी बात हो रही थी कि इलेक्शन लड़ रहा हूं मैं, ट्राई में हूं टिकट के। मैंने ऐसे ही बताया था उसको कि राखी को कि देख टिकट उकट के चक्कर में हूं, देखो मैं कहां से, हाँ रितेश मैं तेरे को हेल्प कर दूंगी, ये कर दूंगी, मैं एक ऐसे बंदे को जानती हूँ तुरंत करवा देगा। वो इसी बंदे का ये वो जेना करके था, उसी बंदे का दिया था, ठीक है वो बंदे का। वो बंदा एक इंसिडेंट में ही समझ में आ गया कि ये बंदा कुछ नहीं है। मैं फिर उसको बाद उसको बोला भी नहीं, मैंने लाइक हाँ मैम सब करवा देंगे, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। यार हम लोग दुनिया वर्ल्ड के हम लोग घाट घाट पोट पोट के पानी पी चुके हैं, ठीक है, हर जगह के मैंने हर कंट्री का पानी हम लोग पी चुके हैं। हम लोगों को नहीं पता है कि लोग कैसे होते हैं। मैं पहले ही समझ गया भाई, मैं उस बंदे से दोबारा कांटेक्ट भी नहीं किया, ना ही मैं उसको फिर कभी, वो बंदा क्या मुझे टिकट दिलवाएगा, हाँ कितने लोगों को जानता है, मैं किसको नहीं जानता हूँ, लाइक जिस पार्टी से मैं लड़ना चाहता हूँ कौन नहीं जानता है मुझे। और राखी के अराउंड जो है ना ज्यादातर लोग वही है, बहुत कम ही लोग जो है ना वो कैपेबल है। राखी के अराउंड जो भी लोग हैं बस वो फायदा अपना फायदा लेने के लिए ही आए हैं, बस यही मैं जानता हूँ। अगर बिग बॉस में आऊं तो आप लोग वोट करोगे पक्का? आउच आउच मच। चलो आप लोग इतना तो बोल दिए कि भाई वोट करेंगे, चलो चलो दिल को सुकून मिला। वो राखी की समझदारी है, उसका अकाउंट है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। राखी आप लोग समझे नहीं मेरी बात है, मैं राखी का ओनर थोड़ी हूँ, और राखी ना मैं किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट आप लोग जानते हो कि नहीं मुझे, लेकिन राखी जब तक कॉल नहीं करेगी मैं भी कॉल नहीं करता हूँ, क्योंकि पहला तो एक मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा मेरे पास लाइक दोस्त है ना, उसको जो जरूरत होगी कॉल करेगी। मेरा जो है मैं यहाँ पे अपना बता, कम टू पेरिस हबीबी, वाओ। अरे वो उसका लाइफ है, देखो किसको फॉलो करना है नहीं फॉलो करना है। मैं किसी को अपने लाइफ के बारे में, ऑफ कोर्स मैं किसी का सुनता भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं सुनता हूँ। अगर मुझे आप बोलोगे कि मुझे किसको फॉलो करना है नहीं फॉलो करना है तो वो मेरी डिसीजन है, राइट। राखी का भी ऐसे ही चलता है यार, उसकी डिसीजन है, जिसको फॉलो करना है फॉलो करे। हाँ यार बट मैं किसी को नहीं फोर्स करता कि राखी सिंगल रहे डबल रहे। राखी सच्ची लड़की है, लेकिन सही बताऊं कि उसको इंसान की परख नहीं है। वो वहीं पे अटकती है ना जहाँ पे, जैसे मेरी तरह है, मैं भी वहीं पे अटकता हूँ। मैं पर्सनल लाइफ में बहुत बेकार हूँ, लेकिन मैं पर्सनल लाइफ में, मैं लव के मामले में बेकार हूँ। मैं इंसान को परखने में देर नहीं करता हूँ ना, इंसान को मैं बहुत अच्छे से परखता हूँ। राखी के आसपास जितने भी लोग हैं मैं किसी को भी लाइक कांटेक्ट, आप दे किसी को भी मैं पर्सनली कांटेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों को, एक
अपने से केवल मैं वाहिद को कांटेक्ट करता हूँ, ही इज नाइस पर्सन, ही इज वेरी नाइस पर्सन। वाहिद भाई को मैं कांटेक्ट करता हूँ अपने से कभी, क्योंकि 2 बार मैंने अपने से कांटेक्ट किया, लेकिन बाकी किसी को मैं कोई इंटरटेन नहीं करता हूँ राइट। क्योंकि मैं, अगर आप बोलोगे ना, तो सही मैं बंदा, अगर बोलोगे तो मैं इगोस्टिक तो हूँ, ये तो बात है, मैं जो है वो मैं बोलता हूँ, मैं ऐसे नहीं। लेकिन जो बंदा मेरे से वो भुला के बात करता है, तो मैं उससे ज़्यादा प्लीज्ड हूँ, तो ऐसे मेरा नेचर है। देखो लॉकअप में क्या है कि अब करण मेरे साथ रह चुका है, अब करण वो होस्टिंग करेगा, आई डोंट थिंक सो लाइक कि मजा आएगा। करण एज अ कंटेस्टेंट आया, चाहे ऐसे कुछ लॉकअप के कुछ अपने अपने पुराने बंदे चलेंगे तो मजा आएगा, प्रतीक चलेगा तो मजा आएगा। राखी के लिए वरीड हो आप, आई कुड अंडरस्टैंड योर फीलिंग, बट क्या करेंगे यार, राखी संभल जाएगी यार। देखो झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है, बहुत दिन में आपको देखना देखना धीरे धीरे पर्दाफाश होगा। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बट लेकिन मैं अभी ऐसे नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार फेस टू फेस ये बंदा मिले, फेस टू फेस इन द सेंस कोई न्यूज चैनल में पकड़ाए, तब काउंटर करें, तब मजा आएगा, तब पता चलेगा। क्योंकि ऐसे बोलने से हवा में अब कुछ लोग इधर सुनते हैं, कुछ लोग उधर सुनते हैं, आधी पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है। रादर दैन जस्ट फेस टू फेस बात करो, तुरंत पता चल जाएगा कौन सच है कौन झूठ है, ये तुरंत धराएगा। इसकी इतने काले चिट्ठे हैं कि बहुत धराएगा, इज वेरी कनिंग। हाँ मुझे पता है यार, लाइक वो विलन, वही तो बोल रहा हूँ, ये दूध पीता बच्चा है, इसने सारे day 1 से प्लान किए हैं और इसके सारे सबूत हैं मेरे पास। day 1 से इसने कैसे कैसे प्लान किया है, कैसे राखी को ट्रैप किया है, कैसे उससे शादी किया, सब मेरे पास है। अरे मुझे कहना चाहिए यार, मुझे ब्लेम करना चाहिए इसको, मुझे इसको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तो ये उल्टे मुझे पर बता रहा है, ये मुझे इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तो ये मुझे उल्टे ही ये कर रहा है। अरे बाबा, मैं अलीबाग से तो नहीं आया हूं कि मुझे नई चीजें पता है, मुझे सारी चीजें पता है यार। ये बंदा खुद को बहुत स्मार्ट समझता है, खुद को स्मार्ट समझता है, ये धराएगा इतना लंबा ना, ये धराएगा। अभी ये सोच रहा है इधर उधर इधर उधर, ये सब केवल न्यूज मीडिया में ट्रायल देने से थोड़ी सच हो जाएगा। अभी बहुत, अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर अभी कुछ दिन में रिलीज होगा, पिक्चर बाकी है। इसने इसने मेरे खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे थे, बहुत अभी भी रचता है, लेकिन ये बंदा सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन ये जाएगा। इसकी झूठ की जो डोर है ना, वो काफी, राखी को थोड़ा सा, राखी को जो है ना सहारा किसी का नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, राखी का सहारा नहीं है इसलिए कमजोर पड़ जाती है, कोई अपना नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको पता नहीं है कहाँ साइन करना है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या है, तो इसलिए उसको राखी को दिक्कत होती है। अदरवाइज अगर लाइक ये, और चूंकि मैं राखी के पास अगर, या ये आप मुंबई मुंबई में रहता ना, तो राखी को बहुत सपोर्ट होता, बट अब ये बंदा नहीं मानेगा तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्या बोलते हो राइट? नहीं मानेगा तो जाना पड़ेगा।